अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू गर्ल्स इन द किचन यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई, जिसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी मैं ऐड करूँगी, सेवन अप। बहुत ही टेस्टी बनती है और सेवन अप से टेस्ट जो है वो इन्हेंस होता है। हर स्टेप ध्यान से फॉलो कीजिएगा, कोई भी स्टेप भूलिएगा नहीं। ईजी टू मेक है और जल्दी से बन जाती है। इंग्रेडिएंट्स जो जाएंगे, सेवन अप हाफ बोल चिकन कढ़ाई मसाला 1 पैकेट, चिकन 750 ग्राम, टोमेटोज 1/2 kg, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, ऑयल 2.5 कप गीर, बिग चिलीज ले लेंगे, ग्रीन चिलीज जो होती हैं वो 4 और 5 ले लेंगे, बीच में कट लगा लेंगे। इसी के साथ 2 ग्रीन चिलीज ले लेंगे, उसे स्लाइस में कट कर लेंगे, और फ्रेश कोरिएंडर ले लेंगे 2 टेबल स्पून, और जिंजर ले लेंगे, उसे भी स्लाइसेस में कट कर लेंगे 1 इंच। एक कढ़ाई या पैन ले लेंगे, उसमें ऑयल ऐड कर लेंगे, ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और साथ ही में जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। फ्लेम जो है हाई रखेंगे और जिंजर गार्लिक पेस्ट को 30 सेकेंड्स तक सॉटे कर लेंगे। सॉटे हो चुका है, नाउ ऐड इन योर चिकन। फ्लेम जो है हाई रखेंगे और अब तब तक हम फ्राई करेंगे चिकन को जब तक इसका कलर वाइट ना हो जाए। यहाँ देखिए हमारी चिकन जो है नीचे से लग रहा है कि वाइट कलर की हो चुकी है, पलट देंगे। यहाँ पे देखें चिकन पूरी वाइट कलर की हो चुकी है। इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, जो हमने कढ़ाई मसाला लिया था वो थोड़े से पानी में ऐड करेंगे और मिक्स करके एक पेस्ट बना लेंगे और इस तरह से ऊपर ऐड करते जाएंगे। पेस्ट सारा हमने ऊपर से ऐड कर दिया है, अब मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से ताकि जितने भी मसाले हैं वो चिकन में अच्छी तरह से लग जाएं। फ्लेम हाई रहेगी, देखें मसाले जो हैं अच्छी तरह से चिकन में कोट हो चुके हैं। इस स्टेज पे हम टमाटर जो हमने लिए थे उसको कट करके ऐड कर देंगे। अब हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे और मीडियम लो फ्लेम करेंगे और कवर करके कुक करेंगे। टमाटर के पानी में ही हम चिकन जो है वो गला लेंगे। तो चलें तब तक मिलते हैं जब तक टमाटर जो हैं वो गल जाएं और साथ में चिकन भी गल जाए। तकरीबन 10 मिनट हुए हैं, कवर हटाएंगे। अब हल्के हाथ से ना थोड़ा सा हिला लेंगे ताकि जो मसाला है वो नीचे नहीं लगे। और इस स्टेज पे हम फ्रेश कोरिएंडर ऐड करेंगे और ग्रीन चिलीज़ जो हमने स्लाइसेस में कट की थी वो भी ऐड कर देंगे। चलें अब अगेन कवर कर लेंगे और थोड़ा सा जो पानी है वो हम सुखा लेंगे। मीडियम लो फ्लेम रहेगी। तकरीबन 7-8 मिनट और हो चुके हैं, अब कवर हटाएंगे और इस स्टेज पे हम जिंजर स्लाइसेस जो हमने ली थी वो ऊपर से ऐड कर देंगे और साथ में जो हमने ग्रीन चिलीज ली थी बीच में कट लगाया था वो भी ऐड कर देंगे। अब हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मैंने टमाटर ज़्यादा इसलिए डाले हैं क्योंकि हमें ग्रेवी ज़्यादा पसंद है। अगर आपको ग्रेवी पसंद हो तो ऐड कीजिएगा, वरना आप कम कर लीजिएगा। इस स्टेज पे यहाँ पे मैं ना जो लेग पीसेस है ना वो निकाल लूँगी क्योंकि भूनते हुए ना वो टूट जाती हैं, और इसको तब तक भूनेंगे जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाता हाई फ्लेम पे। देखिए भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, ऑयल जो है अच्छी तरह से ऊपर आ चुका है। अब इस स्टेज पे जो मैंने लेग पीसेस निकाल ली थी अब वो मैं अगेन ऐड कर दूँगी। भूनते हुए मिक्स करते जाना है क्योंकि अगर मिक्स नहीं करेंगे तो जो मसाला है वो नीचे लग जाएगा। चने ब्लैक पीसेस ऐड कर देंगे जो हमने साइड पर रखी थी। मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से ताकि जो मसाला है उनमें भी कोट हो जाए। और बेस्ट पार्ट और जो टेस्ट इन्हेंस करने वाला पार्ट है वो ये है कि हम सेवन अप लेंगे हाफ फुल और उसको हल्का हल्का करके ऊपर से ऐड करेंगे। इससे ये होता है कि टेस्ट जो है वो इन्हेंस होता है और रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट आ जाता है। ओह माय गॉड, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से हल्के हाथों से। फ्लेम जो है हाई रहेगी। चलें अब 1-2 मिनट तक और भून लेंगे, मिक्स करते जाएंगे साथ में ताकि जो मसाला है नीचे लगे नहीं। भूनते हुए 1.5 मिनट हो चुके हैं, अब मीडियम लो फ्लेम कर देंगे और थोड़ी देर रखेंगे मीडियम लो फ्लेम पर ताकि जितना भी ऑयल है वो अच्छी तरह से ऊपर आ जाए, और साथ में ऊपर से हम गार्निश कर देंगे ग्रीन चिली स्लाइस्ड और जो जिंजर हमने स्लाइस किया था वो ऐड कर देंगे, कोरिएंडर फ्रेश वो ऐड कर देंगे ऊपर से। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे। कढ़ाई जो है हमारी ऑलमोस्ट तैयार है, लेकिन एक मेन चीज़ रहती है, एक कोयले का पीस ले लेंगे, उसे अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। और यहाँ पर कोयला अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब कोयले का दम देने के लिए
कोई स्टील का बोल ले लेंगे या फिर इस तरह से ब्रेड का स्लाइस हाफ रखेंगे, उसके ऊपर हम कोयला रखेंगे और एक दो ड्रॉप्स ऑयल के ऊपर सेट कर देंगे और कवर कर देंगे ताकि जो कोयले की स्टीम है वो अच्छी तरह से फैल जाए कढ़ाई में। तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, कवर हटा लेंगे और जो ब्रेड का स्लाइस है या फिर बोल है आपने रखा है तो वो ध्यान से हटा लेंगे और हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई तैयार है। बहुत ही मज़ेदार सी बनती है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन दबाने से आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।